प्रिंसिपल क्या गए थोड़ा सा कार्यक्रम गड़बड़ हो गया तो सज्जनों से निवेदन है सारे से प्लीज आप लोग बैठ जाए आने जाने में काफी दिक्कत हो रही है लोगों को जो ईश्वर को मंजूर होता है होता है और ईश्वर को मंजूर था कि हम इतनी बड़ी तादाद में इकट्ठे हों तो आज हम मिले हैं आज के सैंथवार समाज के इस पारिवारिक मिलन कार्यक्रम के अवसर पर उपस्थित माननीय श्रीमती सरणीमल जी माननीय मनोरमा सिंह जी माननीय डॉक्टर मीना सिंह जी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के प्रमुख श्री एस के सिंह जी श्री संतोष मल कमिश्नर केंद्रीय विद्यालय संगठन राजीव सिंह जी हमारे ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के सदस्य यहाँ पर एक बड़ी तादाद में जिनके लिए कार्यक्रम है हमारी बहनें पुतियां माँ और गोरखपुर और आसपास के जिलों से शहरों से गांव से दूसरे शहरों से हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों से आए हुए भाई और बहन आज इस इस्तेमाल ट्रस्ट के पारिवारिक मिलन के अवसर पर मैं आपका स्वागत करता हूं। आज का दिन एक ऐतिहासिक दिन है इस बुद्ध और कबीर की धरती पर एक नया इतिहास रचा जा रहा है। बाबा गोरखनाथ की पवित्र भूमि पर किसी भी जात समूह द्वारा एक नए सर्जन की नींव रखी जा रही है और इस महान अवसर पर जो सबसे बड़ा सहयोग है कि आज क्रिसमस है ईसा मसीह का जन्मदिन है और इस दिन पर मैं आप सभी को क्रिसमस की शुभकामनाएं देता हूं। आज का दिन महत्वपूर्ण इसलिए है दो कारण है जिससे कि एक स्वर्ण यात्रा की शुरुआत हमारा समाज कर रहा है जिसमें हम सब लोग मिलकर के आगे बढ़ेंगे। मैं बता हूं कि पूर्वांचल में आज तक किसी भी कम्युनिटी ने किसी भी समुदाय ने किसी भी समाज ने इतने संगठित रूप से अपनी अस्मिता को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का प्रयास नहीं किया है। ये सबसे संगठित आधारित प्रयास है। समुदाय की एकता समाज की एकता और भाईचारे की जो मिसाल है ये अपने आप में अनूठी है और ये भविष्य में नए नए मापदंड दूसरे लोगों के लिए कायम करती रहेगी। दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है आपने देखी होगी कैसे बहुत सारे संगठन होते हैं जो जात पर आधारित होते हैं समुदाय पर आधारित होते हैं घर पर आधारित होते हैं उनके पास धन संपत्ति भी होती है और साल निकाल कर मिलते भी हैं। लेकिन मैं जो चीज कहने जा रहा हूं कि जो चीज उनके पास नहीं होती है वो है दृष्टि वो है विजय वो है भविष्य को समझ सकने देख सकने और अपने आप को उस तरह से आगे बढ़ा सकने की क्षमता जो हमारे समुदाय के पास में है वो है दृश्य और विजय। और इसी विजय का इसी दृश्य का परिणाम है कि आज जो हमारा कार्यक्रम है वो खाली विजय दूर में नहीं वो महिला शक्ति पर आप ये पोस्टर देखे वो पोस्टर देखिएगा सबसे पहली तरफ लिखा हुआ कहे आपके सम्मान करने का अपमान का पैमाना ये बहुत बड़ा संकेत है ये बहुत बड़ी बात है। जब खुले मंच पर ये बात कर रहे हम जानते हैं कि हमारे अंदर एक भूल चली है लेकिन कोई भी समाज जब आगे बढ़ता है तो अंदर अवलोकन करना पड़ता है अपने अंदर जानना पड़ता है अपने आप को देखना पड़ता है और हमारे अंदर ये देख सकने की क्षमता है और यही क्षमता जो है हमें बाकी लोगों से अलग करती है। बहुत सारी जाति आधारित धर्म आधारित मीटिंग होती है। संतोष जी ने जैसे कहा कि नाम लेने की जरूरत नहीं अलग अलग कम्युनिटी अपने फायदे के लिए मिलकर के काम करते हैं बहुत अच्छी बात है लेकिन मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि आज तक किसी भी कम्युनिटी ने पूर्वांचल में नहीं मैं पूरे उत्तर प्रदेश और शायद देश की बात करूं तो बहुत ज्यादा नहीं होगा किसी भी कम्युनिटी ने महिलाओं के सशक्तिकरण की बात इतने प्रभावशाली रूप से कभी नहीं। करीब 6 महीने पहले मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड हुआ कि 6 महीने पहले
जब हमारा जो कोर ग्रुप है, जो मिडल लोग है, जो आपके सामने थोड़ी देर पहले खड़े हुए, तो ये बात सोची कि पारिवारिक मिलन जो है यहाँ पे आयोजित किया जाए,